भोपाल की, जहां G20 को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की है। 22 देशों के 94 प्रतिनिधि सांची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से होटल, गंतव्य स्थानों की स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। सभी तैयारियों के चाक चौबंद रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। बता दें कि G20 के अंतर्गत T20 यानी Think20 कार्यक्रम होना है और ऐसे में लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियां जारी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तैयारियों की समीक्षा की है। 22 देशों के 94 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे और ऐसे में इस कार्यक्रम की समीक्षा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कार्यक्रम से जुड़ी, अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, G20 को लेकर एक बड़ी तैयारी हो रही है और जिस तरह से हमने देखा कि G20 के अंतर्गत ये Think20 कार्यक्रम होना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सवांगी, मध्य प्रदेश को यह सौभाग्य मिला है कि G20 की बैठकें यहाँ पर हो रही हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खासतौर से 16-17 जनवरी को मध्य प्रदेश में, खासतौर से भोपाल की बात हो या खजुराहो की बात हो, तो अलग अलग बैठकें होना है और T20 की बैठक भोपाल में होना है। तो किस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, होटल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक किस प्रकार की तैयारियां होनी, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही इस तरीके से माना जा रहा है कि G20 के जो देश हैं उसमें करीब 170 जो अधिकारी मंत्री डेलीगेट्स हैं वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में किसी प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था में कोई चूक ना हो, कोई कमी ना हो मेहमानों के स्वागत में, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी G20 की बैठक में कहा था कि मध्य प्रदेश की धरती पर ये हो रहा है तो हमें स्वागत मेहमानों का कैसे करना है, इसको लेकर सरकार तमाम अच्छे प्रयास करे और यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुवांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, जिस तरह से इंदौर में हमें रिस्पॉन्स मिला, अतिथियों का सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आने वाले सभी कार्यक्रमों में तैयारियां पूरी हो और इसीलिए समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।